सो इनकोडर भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है एंड इट डज द जॉब अपोजिट ऑफ द डिकोडर। डिकोडर में हमने देखा था कि इनपुट के ऊपर कोई बाइनरी कॉम्बिनेशन आता था तो वो करेस्पॉन्डिंग डेसिमल प्रोड्यूस करता था या बीसीडी प्रोड्यूस करता था। इसी तरीके से इनकोडर है, इनकोडर के इनपुट पे क्या है, अब डेसिमल वैल्यू या हो सकता है ऑक्टल वैल्यू आए और ये करेस्पॉन्डिंग बाइनरी इनपुट या बीसीडी जो है आउटपुट प्रोड्यूस करे। यानी कि इन अब ये क्या कर रहा है, ये डेसिमल टू बाइनरी कर रहा है। डिकोडर क्या कर रहा था, बाइनरी टू डेसिमल कर रहा था, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो लेट सपोज वी हैव डेसिमल या टू बीसीडी डिकोडर, तो ये डेसिमल की इनपुट्स हैं हमारे पास। अब ये इनपुट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो वी नीड फोर आउटपुट, ए नॉट, ए वन, ए टू और ए थ्री। बी सी डी के आउटपुट हैं चार, तो हमारे पास चार गेट्स होंगे। ठीक है, और एक सेकेंड, तो लेट सपोज इफ इट इज जीरो तो ऑल बिट्स, ऑल आउटपुट विल बी जीरो। अगर वन है ठीक है तो इट विल बी 0, 0, 1। ठीक है, तो ये देखें, ए नॉट यानी कि जब वन था तो सिर्फ ए नॉट एक्टिवेट हुआ। ठीक है, जब टू है तो जस्ट ए वन एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा, थ्री के लिए ये दोनों एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, फोर के लिए सिर्फ ये एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आउटपुट हमारा जो है ना वो इन बिट से डिफाइन हो रहा है। हमारा जो आउटपुट आएगा एक इनकोडर का वो इन चार आउटपुट पिन से नजर आएगा, तो दे कैन बी अ गेट। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ ए नॉट को देखूं, ठीक है, और ए नॉट की इक्वेशन को या कह लें ए नॉट का सर्किट बनाऊं, तो ए नॉट जो है वो, अब ये मेरी लेट सपोज इनपुट लाइंस हैं, ठीक है, और ये मेरे चार आउटपुट लाइंस हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई ए नॉट कब कब एक्टिवेट हो रहा है। तो ए नॉट जो है वो वन से एक्टिवेट हो रहा है, ए नॉट जो है वो थ्री से हो रहा है, ए नॉट जो है वो फाइव से हो रहा है, तो मैं वो करेस्पॉन्डिंग लाइन उसकी अटैच कर दूंगा जस्ट लाइक दैट। तो ये मेरी इनपुट की लाइंस हो गई। ठीक है, ये मेरी इनपुट की लाइंस हैं, ठीक है, एक से लेकर नौ तक की, और ये मेरी आउटपुट की लाइंस हैं। अब आप देखें ए नॉट किस किस से अटैच हो रहा है, वन से हो रहा है, क्योंकि हमें पता था कि जब वन डिस्प्ले हुआ था या जब वन इनपुट आया था तो ए नॉट एक्टिवेट हुआ था। इसके बाद वो हो रहा है थ्री से, तो जब थ्री इनपुट पे आएगा तब भी ए नॉट को एक्टिवेट होना पड़ेगा। फाइव आएगा तो फाइव के लिए भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो ये देखें फाइव, ये फाइव हो गया, ये टू हो गया, सॉरी थ्री हो गया, ये वन हो गया, इसके बाद ये सेवन के लिए भी हो रहा है और नाइन के लिए भी हो रहा है। तो नाइन देख लें यहाँ तक जा रहा है, सेवन जा रहा है। तो जो जो इनपुट पिन्स जो हैं वो मुतालका गेट को ऑन करवा रही हैं, आप उससे कनेक्शन कर देंगे तो इस तरह इनकोडर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब भी एक से लेके नौ तक का कोई भी डिजिट आएगा तो इट विल शो अ करेस्पॉन्डिंग बीसीडी कोड, तो दैट्स द इनकोडर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से मजीद इसको समझते हैं कि लेट सपोज के इनकोडर के पास जो है जो इनपुट आ रहा है वो तीन आ रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि तीन के ऊपर हाई आ रहा है, सिंपल इज दैट। तो ये जो हाई है ये यूं जा रहा है और ये तो इसको मिल रहा है और ये किसको मिल रहा है और ये इसको मिल रहा है, तो मेरे दो गेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि ये और गेट है। ठीक है, और गेट जो है एक भी वन आ जाएगा तो एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, बाकी जगहों पे जो है वो जीरो रहेगा। तो 0, 0, 1, 1 बेसिकली तीन का, यू कैन से कि आपने तीन को इनकोड कर दिया बाइनरी के अंदर या बीसीडी के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा।
इसी तरीके से ये इसकी आईसी है, 74HC147 इज अ इनकोडर आईसी, ठीक है। इसको HPRI भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनकोडर से मुराद मिसाल के तौर पे आपका कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड आपका लेट सपोज डेसिमल में इनपुट ले रहा है, ठीक है, अल्फाबेट्स में इनपुट ले रहा है, लेकिन कंप्यूटर को जो है ना वो चाहिए बाइनरी के अंदर। तो ये इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर, इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, यहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या होता है कि हम दो बटन जो है या दो इनपुट एक साथ दे सकते हैं, दो कीज़ एक साथ प्रेस कर देते हैं। दैट्स वाई ये आईसी बड़ी पावरफुल है। इसका नाम जो है वो HPRI यानी कि हायर प्रायोरिटी जो है ना वो इनकोडर है या इनपुट है, यानी कि जिस नंबर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको एक्सेप्ट करेगा अगर दो नंबर एक साथ प्रेस हो जाते हैं इनपुट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि दोनों को तो वो इनकोड नहीं करेगा, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको इनकोड करेगा। तो दिस डिवाइस इज ऑफर एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज प्रायोरिटी इनकोडर। दिस मीन्स दैट इफ मोर देन वन इनपुट इज एक्टिव, द वन विद द हाईएस्ट ऑर्डर डेसिमल डिजिट विल बी एक्टिवेटेड। जो भी हायर प्रायोरिटी या हायर ऑर्डर का होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ कोड कन्वर्टर्स हैं। हमने ग्रे कोडिंग पढ़ी थी, तो ग्रे कोडिंग आपने उस वक्त भी देखी होगी कि दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द एक्स ऑर गेट, ठीक है। तो इस तरह बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सेकेंड, कोई आया था लेकिन चलें ठीक है। तो दिस इज सिंपल, आप इस पे जो है ना बाइनरी वैल्यूज दे दें तो आपको ग्रे कोडिंग दे देगा, ग्रे कोडिंग दे देंगे तो बाइनरी पे बाइनरी का आउटपुट दे देगा। मैंने आपको तफसीलन ये बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू जो बाइनरी ये कोडिंग सिखाई थी, और वहाँ पर भी एक्स और गेट यूज़ किए थे। पॉइंट इज दैट कि जो एक्स और गेट इटसेल्फ है वो एक कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है। अगर आप उसकी इक्वेशन देखेंगे तो उसमें मल्टीपल गेट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको जो है कोड कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है एक्स और गेट को, कि कोडिंग फ्रॉम बाइनरी से ग्रे कन्वर्ट करवा देता है। लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर नंबर 6 का मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर बिलीव इट और नॉट, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक एलिमेंट का की हैसियत रखता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, ठीक है। और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसको डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो है इसको मक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज अ डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वल सोर्सेज टू बी राउटेड ऑन टू द सिंगल लाइन फॉर द ट्रांसमिशन ओवर दैट लाइन टू द कॉमन डेस्टिनेशन। मीनिंग दैट के आपके पास लेट सपोज इनपुट की ये सेवरल लाइन्स हैं, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इनको कंबाइन कर देता है एक कॉमन लाइन के ऊपर या सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसमिशन के लिए। यानी कि इनपुट पे तो आपकी मिसाल के तौर पे जो है वो चार इनपुट लाइंस हैं, लेकिन आउटपुट एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में एक ही यहाँ से पास हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स द जॉब ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, इज टू कंबाइन द इनपुट, ठीक है, और फिर एक कॉमन लाइन के ऊपर उसको सेंड कर देना। तो इससे होता क्या है, इससे बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये राउटर है जो आपके घरों में लगा हुआ है, ठीक है। ये चार जो हैं वो आपके इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, एक दो तीन मोबाइल लगे हुए हैं, तो वो इस राउटर से अटैच हैं वायर्ड के जरिए या वायरलेस के जरिए, ठीक है। लेकिन राउटर से लेके यानी कि आपके घर से लेके आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो एक सिंगल केबल है, ठीक है, वो एक सिंगल पाथ है। तो राउटर जो है वो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग का भी काम कर रहा है कि वो मल्टीपल इनपुट्स को जो है या मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उनको वन बाई वन चांस दे रहा है कि वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकें। एंड इट डज सो फास्ट कि
आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आप मीडियम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मीडियम है ये वाला मीडियम जो है वो शेयर्ड है, ये वाला जो पाथ है वो ये सब यूज कर रहे हैं वन बाय वन, वन बाय वन या कह लें या कुछ भी, कोई भी टेक्निक यूज की जा सकती है। मल्टीप्लेक्सिंग की बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो मैंने वन बाय वन बोल दिया, इस लाइक अ राउंड रोबिन फैशन कि बारी बारी सबको मौका दिया जा रहा है, टाइम की बेसिस पे दिया जा रहा है, फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे दिया जा रहा है, वो एक अलग डिबेट है। तो द कॉन्सेप्ट इज दैट कि यू हैव सेवरल इनपुट लाइंस और जो मल्टीप्लेक्सर है वो इन सेवरल इनपुट लाइंस को कंबाइन कर देगा और एक ही लाइन के ऊपर ट्रांसमिट कर देगा। बट जो है इसमें दो बातों का ख्याल रखा जाएगा, एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि यूजर को पता नहीं चले कि भाई वो मीडियम शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है या कोई और मामला, और दूसरी बात यह कि फास्ट होना चाहिए बहुत, क्योंकि अगर डिले आएगा तो यूजर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब अगर बहुत बेसिक लेवल के ऊपर मल्टीप्लेक्सर को देखा जाए तो इसके पास जो है ना डेटा सिलेक्ट की इनपुट होती हैं, ठीक है। डेटा सिलेक्ट की इनपुट क्या करती हैं, वो ये तय करवाती हैं कि कौन सा इनपुट जो है ना वो आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम डिजिटल कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम सॉर्ट ऑफ मैनुअल मल्टीप्लेक्सर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक मल्टीप्लेक्सर हैं वो सर्टेन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इफ देयर इज नो एनी सच एल्गोरिथम तो वी विल हैव अ डेटा सेलेक्ट इनपुट, ठीक है। तो लेट सपोज इसी को कंटिन्यू करते हैं कि अगर ये एक मल्टीप्लेक्सर है और इसके ये एक दो तीन और ये चार इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर एक डेटा सेलेक्ट की इनपुट होगी, ठीक है। कितनी होंगी वो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो इस डेटा पिन से, इस इनपुट पिन से जो है हम ये फैसला करेंगे कि आया इसको आउटपुट पे जाना है, क्योंकि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो आया इसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना है, तो हम वन बाय वन खुद इसको सिलेक्ट कर करके भेज सकते हैं। तो इसका मतलब होता है डेटा सिलेक्ट इनपुट, जो कि परमिट करता है डेटा ऑन एनी ऑफ द इनपुट टू बी स्विच टू द आउटपुट लाइन। इसीलिए इसको डेटा सिलेक्टर भी बोलते हैं कि चार इनपुट पे डेटा आ रहा है, अब मेरी मर्जी मैं किसको डेटा, कौन सा डेटा को सिलेक्ट करूं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स करने की जरूरत क्या है, ये आप मुझे जवाब देंगे, अभी दे दें सोच के या जो है वो बाद में दे दें। इसकी यूजेस बहुत ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर नजर आ रही है टेलीफोन एक्सचेंज की नजर आ रही है, जिसमें वॉइस डेटा जो है, लेट्स सपोज मेरे घर से जो वॉइस डेटा, मैं टेलीफोन पे जो बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जा रहा है एक्सचेंज तक, तो जितने भी मेरे इलाके में यूजर्स हैं उन सबका डेटा एक्सचेंज तक जाता है। फिर लेट्स सपोज हम एक वॉइस कॉल कर रहे हैं जो कि वन सिटी टू अनदर सिटी जा रही है, तो वो सारा डेटा फिर कंबाइन होगा, क्योंकि सिटी टू सिटी जो ट्रांसमिशन है, अब मेरे घर से लेके लेट्स सपोज एक्सचेंज तक तो मेरे पास एक डेडिकेटेड कनेक्शन है। डेडिकेटेड कनेक्शन का मतलब यह है कि वो जो रास्ता है वो सिर्फ मेरे लिए है, दिस वन, लेकिन ये जो रास्ता है ये कॉमन है। तो जब भी आप कॉमन मीडियम यूज करते हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली कॉमन मीडियम को यूज नहीं कर सकते, देर इज अ नीड ऑफ सम ट्रीटमेंट इन द सिग्नल, अदरवाइज देर वुड बी अ इंटरफेरेंस। बिल्कुल इसकी मिसाल अभी मैं आपको दे दूं कि अभी अगर सब अपना स्टूडेंट्स अपना माइक ओपन कर लें, ठीक है, और सब बात करना शुरू कर दें, तो देयर वुड बी अ इंटरफेरेंस, देयर वुड बी अ नॉइस, नो वन कैन अंडरस्टैंड कि कौन क्या बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस मीडियम के तहत इस वक्त आप लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो एक कॉमन मीडियम है, ठीक है, एयर इंटरफेस बोलते हैं या वॉट एवर इसको आप नाम देते हैं इस मीडियम को, लेकिन ये कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन मीडियम को यूज करने के लिए सर्टेन मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो, उसका एक अगला नाम है मल्टीप्लेक्सिंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी को सवाल करना है तो वो हैंड रेस कर दे, मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको बारी दे दूं,
ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कॉमन मीडियम वो यूज कर रहा है, इस वक्त कॉमन मीडियम लेट सपोज मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि वो जो एक सिंगल मीडियम था वो सब यूज कर लेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत साबित होता है मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि अगर डेडिकेटेड कनेक्शन ही प्रोवाइड किया जाए तो फिर इट वुड बी अ वेरी ह्यूज कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द नेटवर्क। अमूमन नेटवर्क में जो हमारे मतलब नेटवर्क का जो साइड होता है वो हमेशा कॉमन होता है, यूज़र का साइड डेडिकेट कर देते हैं क्योंकि वो छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब मैं अपनी वॉइस कॉल दुनिया में कहीं भी कर सकता हूँ, तो वो कॉमन मीडियम की बदौलत है, ठीक है। लेकिन अगर डेडिकेशन होती इसमें तो फिर आप सोच सकते हैं कि आई नीड हाउ मच नंबर ऑफ डेडिकेटेड वायर्स टू कनेक्ट विथ ईच यूज़र ऑन द अर्थ, ठीक है जनाब। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी लॉजिकल सिंबल के हवाले से। अच्छा एक चीज़ और, डेटा सेलेक्ट के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। डेटा सेलेक्ट का मामला ये है कि अगर डेटा सेलेक्ट की इनपुट 1 है, यानी कि अगर आपकी लेट सपोज आईसी जो मक्स की आईसी है उसमें डेटा सेलेक्ट की पिन 1 ही है, तो यू कैन सेलेक्ट अप टू 2 डेटा इनपुट्स, सॉरी मैं थोड़ा कॉल आ गई थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द डेटा सेलेक्ट पिंस। तो अगर एक ही डेटा सेलेक्ट पिन है आपकी आईसी के अंदर, तो आप सिर्फ 2 जो है ना डेटा इनपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 2 डेटा सेलेक्ट इनपुट हैं तो आप अप टू 4 डेटा इनपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ये बात क्लियर है, तो लॉजिकल सिंबल जो है वो 4 इनपुट। अब इसमें 4 इनपुट हैं, यानी कि डेटा इनपुट 4 हैं, तो इसका मतलब डेटा सेलेक्ट की जो पिंस होंगी वो 2 होंगी। जितनी डेटा सेलेक्ट की इनपुट हैं उसको आप कर दें 2 पे पावर, तो आपको डेटा इनपुट्स मिल जाएंगी। तो 2 डेटा सेलेक्ट पिंस हैं और 2 डेटा सेलेक्ट पिंस हैं, तो एनी ऑफ द 4 डेटा पिंस कैन बी सिलेक्टेड। अब कैसे सिलेक्ट होंगी वो भी देख लें। दिस इज D0, D1, दिस इज D0, D1, D2, D3, या यूं कह लें कि भाई ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर मैं लेट सपोज 0 और 0 देता हूँ S0 और S1 पे, बल्कि इसको ऐसा करते हैं जी, 0 0 देता हूँ तो 0 पिन सेलेक्ट हो जाएगी, सॉरी 0 पिन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं 0 और 1 देता हूँ तो 1 सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 0 देता हूँ तो 2 सेलेक्ट हो जाएगी। इट इज लाइक दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। और 1 1 देता हूँ डेटा सेलेक्ट के ऊपर तो फिर 3rd 1 सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जनाब। ये इसकी LSB है और ये इसकी MSB है, क्योंकि 2 ही पिंस हैं। तो मैं दे रहा हूँ 0 1, ठीक है, या यू कैन से 1 0, ठीक है। इट इज लाइक 1 0, क्योंकि MSB ये है, तो ये LSB है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ बाइनरी के हवाले से, टू, तो जीरो वन और ये टू, तो जो कुछ डेटा डी टू पर होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा। तो इस तरह डेटा सिलेक्ट किया जाता है। तो ये तो फिलहाल हम मैनुअली कर रहे हैं, लेकिन ये जो अल्गोरिथम है सिलेक्शन का, ये अमूमन कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होता है, जिसकी वजह से बहुत रैपिडली डेटा सिलेक्ट किया जाता है और इन यूजर्स को जो है पता भी नहीं चलता कि वो एक कॉमन मीडियम यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए। मैंने आपको राउटर की एग्जांपल दे दी, वो भी मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका अगर ये तो आपने देख लिया इसका एक पिक्टोरियल ओवरव्यू। टाइम जरा मुझे बता दें, अगर 12:30 हो गया है तो फिर बस होने ही वाला है 12:30। हेलो जी सर, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे सिग्नल सेंड कर देता है? नहीं देखें, बहुत सारे नहीं भेजेगा, एक वक्त में एक ही जाएगा। आ रही है बात समझ में असद मंजूर? नहीं सर, नहीं आ रही। इसकी मिसाल स्क्रीन तो नजर आ रही है ना मेरी आपको? यस सर। एक काम करते हैं, ये म्यूट कर लें आप अपने आप को। ठीक है, कहाँ गई मेरी स्लाइड? हाँ, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि लेट सपोज ये एक मल्टीप्लेक्सर है, इसको मैं M का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास जो है सिग्नल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 और ये 4। ठीक हो गया, यानी कि 4 मेरे डेटा इनपुट्स हैं या 4 मेरे कंप्यूटर्स हैं जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ राउटर। इसको आप जो है वो बोलेंगे भाई ये राउटर है जिसके जरिए मैं अभी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ अपने घर के। ठीक है, तो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरे भाई का है, ये मेरी बहन का है। ठीक है, ये मेरे अब्बू यूज कर रहे हैं मोबाइल। तो ये 4 लोग जो है वो इस राउटर को यूज कर रहे हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कनेक्शन है आपके राउटर तक वो तो डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब होता है कि वो जो रास्ता है पाथ जो है वो आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है आप वायर मीडियम यूज कर रहे हो सकता है आप वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहां से जो मीडियम जा रहा है आगे, ये जो रास्ता जा रहा है, ये जो सड़क जा रही है, ये एक ही है। तो यू हैव 4 इनपुट डेटा, लेकिन आपके पास आउटपुट पे जो लाइन है वो कितनी है, वो एक ही है। ठीक है, यानी कि एक वक्त में एक ही गुजर सकता है यहाँ से। आ रही बात समझ में? तो इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है या तो आपका अल्गोरिथम या फिर आपकी डेटा सिलेक्ट इनपुट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो, अब मेरे पास 4 इनपुट्स डेटा हैं, तो सिलेक्शन की जो इनपुट्स होंगी वो 2 होंगी। इसको मैं डेटा सिलेक्ट इनपुट बोल देता हूँ। तो इन दोनों पिन से मैं डेटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेट सपोज इसके ऊपर मेरे पास एक साइनोसाइडल है, इसके ऊपर मेरे पास एक ट्रायंगुलर वेव आ रही है। ठीक है, इसके पास मेरे पास एक इम्पल्स आ रही है, स्क्वायर वेव आ रही है। ठीक है, और इसके पास क्या आ रहा है, इसके पास एक स्टेप सिग्नल आता है। ठीक है, तो ये 4 मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं 4 डिफरेंट डेटा लाइन्स के ऊपर। तो इन डेटा पिन से जो है मैं अगर 00 लिखूंगा, इन पे 00 सिलेक्ट करूंगा तो एक डेटा पिन सिलेक्ट हो जाएगी, लेट सपोज 1। ठीक है, 01 कर सकता हूं। अब 2 है ना, तो मेरे पास 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो मैं ये इन पे सिलेक्शन करवा सकता हूं।
अब अगर मैंने लिखा 00, ठीक है 00 लिखा, तो सबसे पहली वाली पिन सिलेक्ट हो जाएगी ये वाली, ठीक है ये वाली पिन सिलेक्ट हो जाएगी और आउटपुट के ऊपर ये चला जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मैं जो है वो, या यूं कैन से कि भाई सेकंड एक फर्स्ट सेकंड पे मैंने 00 सिलेक्ट किया, अब मैंने क्या किया 01 सिलेक्ट कर दिया, तो अब 01 से ये वाली पिन चली जाएगी, ट्रायंगुलर वेव चली जाएगी, तो आउटपुट पे तो एक वक्त में एक ही जाती है, ठीक है। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि यूजर्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उनको वेट करना पड़ा या क्या मामला हुआ। इट्स लाइक अ शेयरिंग मीडियम, ये जो है सब कुछ आपको जो नजर आ रहा है आउटपुट के ऊपर, ये शेयरिंग मीडियम होता है, यानी कि सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पे जो मीडियम यूज हो रहा है वो डेडिकेटेड है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो हम कर देते हैं डिलीट। तो अब इसका अगर मुझे लॉजिकल सर्किट बनाना पड़े, तो जब मैं 00 सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है यहां से जब मैं 00 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डी नॉट सिलेक्ट हो रहा है, जब मैं 01 कर रहा हूँ तो 1 सिलेक्ट हो रहा है, जब मैं 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो D2 हो रहा है, जब मैं 11 कर रहा हूँ तो D3 आउटपुट पे आ रहा है। तो आउटपुट की इक्वेशन कैसे बनेगी? आउटपुट की इक्वेशन बनेगी, लेट सपोज अगर मैं 00 कर रहा हूँ S0 S1 और D0, इन पे कॉम्प्लीमेंट कर दें आप, ठीक है तो ये इक्वेशन बन गई एक, ठीक है आउटपुट की। इस तरह बहुत सारी तकरीबन चार बनेंगी, तो वो जब आप बना लेंगे तो यू विल कम अप विद द डिजिटल सर्किटरी। तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर डेटा सिलेक्ट इनपुट्स दोनों जीरो हैं, 00 तो आउटपुट पे क्या आ रहा है S0 S1 और ये इस तरह आउटपुट पे 1 आ रहा है, ठीक है। अगर 01 है, सॉरी 10 है, यानी कि क्योंकि इसने LSB वहाँ लिखा हुआ है, तो अगर 01 है तो D1 सिलेक्ट हो जाएगा, 10 है तो D2 सिलेक्ट हो जाएगा, 11 है तो D3 सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब ये चारों को यूज करते हुए आप जो है वो इसका सर्किट बना सकते हैं। ठीक हो गई बात? ये इसकी पिक्टोरियल एक एग्जांपल है जिसके अंदर D0 D1 D2 वगैरह की वेवफॉर्म दिखाई गई हैं और यहाँ से चिप सिलेक्ट दिखाया गया है, ठीक है। तो जिस भी अगर 00 होगा तो 0 पे जो भी D0 पे जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी, अगर 01 होगा तो जो है वो फर्स्ट वन सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। इसी का अपोजिट है डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया था कि बहुत सारी इनपुट्स थी उनको कंबाइन कर दिया, ठीक है एक ही आउटपुट के ऊपर। डी मक्स इसका उलट काम करता है। मिसाल के तौर पे अब आपने जो है facebook.com ओपन की थी, ठीक है, आपके भाई ने लेट सपोज यूट्यूब ओपन करी है, ठीक है, तो मुख्तलिफ यूजर्स जो हैं आपके घर में वो मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन तो उनका डेटा मल्टीप्लेक्स हो गया, लेकिन अब जब इंटरनेट उनको रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो एक कॉमन मीडियम से आ रहा है। अब राउटर की ये जिम्मेदारी है कि जिसका जो डेटा था ये उसको जो है वो दे दे। इसकी पिक्चर कैसे बनेगी? इसकी पिक्चर इस तरह बनेगी कि मिसाल के तौर पे ये आपका कॉमन मीडियम है जहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, और ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, बल्कि मल्टीप्लेक्सर को मैं कुछ इस तरह बना दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इट्स लाइक दिस, उलट बना देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहां पर भी हमारे पास डेटा सिलेक्ट की इनपुट होंगी कि यहां से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज इंटरनेट से जो डेटा आ रहा था
वो किसको दिया जाए, वो इस वाली पोर्ट को दिया जाए, इस वाली पोर्ट को दिया जाए, या इसको दिया जाए, या इसको दिया जाए। यानी कि अब क्या हो रहा है, वन टू मैनी हो रहा है। यहाँ पे वन है और यहाँ पे मैनी आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो इट्स डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा था कि मैनी टू वन हो रहा था, सिंपल इज दैट, उसका अपोजिट है। डी मल्टीप्लेक्सर बेसिकली रिवर्स द मल्टीप्लेक्सिंग फंक्शन। ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन लेता है एक लाइन से और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इसको डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस फिगर में दिखाया जा रहा है, ये इसकी यू कैन से के सर्किटरी दिखाई जा रही है, अदरवाइज इसका जो लॉजिकल सिंबल होगा वो कैसा बनेगा, वो ये बनाया हुआ है यहाँ पे। ये खैर 16 बिट को सिलेक्ट करवा रहा है, तो ये आपका कॉमन डेटा आ रहा है, लेट सपोज इंटरनेट से डेटा आ रहा है ये, ठीक है। और आपके आउटपुट जो हैं वो चार हैं, ठीक है। यानी कि यूजर लेट सपोज आपके चार हैं, तो डेटा सिलेक्ट पिंस दो होंगी। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 0 0, तो जो कुछ यहाँ होगा वो इधर मूव हो जाएगा। अगर मैं जीरो वन देता हूँ, तो जो कुछ यहाँ होगा वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आउटपुट से डेटा ले रहा हूँ और उसको अपने यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो दिस एक्शन इज नोन एज अ डीमल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे कॉमन सवाल है कि सर मल्टीप्लेक्सर कहाँ यूज होता है और कहाँ डीमल्टीप्लेक्सर यूज होता है, तो इसका बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है। जिस तरह मैंने राउटर की बार बार मिसाल दे रहा हूँ, तो एक राउटर के अंदर दोनों फंक्शनैलिटी हैं, या यू कैन से कि जहाँ मल्टीप्लेक्सर का काम किया जा रहा है वहीं डी मल्टीप्लेक्सर का काम भी होगा लाजमी, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो ड्यूल होती है, टू वे होती है। यानी कि जो डेटा गया है, जो रिस्पॉन्ड गया है, अब उसको वापस आना है, टू वे कम्युनिकेशन करनी है, अगर टू वे कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है जनाब। तो ये हो गया आपका डी मल्टीप्लेक्सर, और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्विज भी था आपका कल, तो वो कल करेंगे। बाकी डिस्कशन का टाइम अभी फ़िलहाल है नहीं, अगर कोई सवाल है जल्दी डीएलडी के हवाले से टेक्निकल तो पूछ लें, असाइनमेंट और जो है वो प्रोजेक्ट और क्विज का ना पूछिएगा अभी, क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। मैं DSA पे आना चाह रहा हूँ जल्द से जल्द, ठीक है। अच्छा DSA पे भी आ जाते हैं, DSA के लिए मुझे कोड ब्लॉक ओपन करना होगा। मैंने जो है वो लेक्चर अपलोड कर दिया था DSA का, और आपको समझ में तो पता नहीं शायद नहीं आ रहा, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में मैं आपको पहले अपना आउटपुट दिखाऊं, आउटपुट दिखा के उस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी हम देखें कि क्या क्या है, उसके बाद जो है ना उसको इलियास आपने MSB और USB का पूछा था सिलेक्शन पिन का, तो अगर S नॉट है, ठीक है, तो मैं उसको LSB कंसिडर करूँगा। S वन है, अब है ही दो, तो एक LSB और एक MSB बन जाएगी, ठीक है। तो S नॉट हो सकता है, सबसे लीस्ट है, नॉट मतलब जीरो पे हो सकता है, S1 भी हो, अब चार भी हो सकती है डेटा सेलेक्ट इनपुट, अगर 16 का आउटपुट चाह रहे हैं आप, तो S नॉट, S1, S2, S3, तो S3 जो है फिर वो आपकी वो हो जाएगी MSB, तो वो मेंशन होता है, नहीं तो आप अपनी तरफ से अज्यूम करके फिर वहाँ लिख दें कि भाई मैं इसको MSB अज्यूम कर रहा हूँ। अभी सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, कोड ब्लॉक नजर आ रहा था जी सर। अच्छा, ये वो ही प्रोग्राम है वो जो हम कल कर रहे थे, लिंक लिस्ट वाला। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आउटपुट थोड़ा बहुत नजर आ जाए।
नजर आ रहा है या फिर मैं इसको ब्लैक करूं? नहीं नहीं सर आ रहा है। ये क्या हो गया? स्क्रीन टैक्स तो देखें, ये प्रोग्राम का आउटपुट है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो इसको बोल देता हूँ कि मुझे कोई नोट डिलीट करनी है, लेट सपोज। तो मैंने फोर प्रेस कर दिया, ठीक है। नजर आ रहा है आपको, फोर जो है वो डिलीट नोट बाय की, यानी कि पहला तो मैं चार ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मुझसे की मांगे कि कौन सी की, क्योंकि की से मेरी नोट्स आइडेंटिफाई होती हैं। तो मैंने क्या हो गया इसको, हाँ, चार एंटर किया तो कह रहा है कि डिलीट नोट बाय की ऑपरेशन को आपने सेलेक्ट किया है। अब आप जो है वो की बताएं जिसको आपको डिलीट करना है। तो लेट सपोज मैंने बोल दिया कि मुझे थर्ड नंबर की की को डिलीट करना है। तो इसका अभी इसने क्या मुझे शो किया कि भाई सिंगली लिंक लिस्ट तो अभी खाली है, कोई की ही नहीं, ऐसी कोई नोड ही मौजूद नहीं है, कोई नोड जिसको आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अभी मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ, छः नंबर का ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये मुझे पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट कर देगा, नो नोड्स इन द सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अभी क्योंकि जाहिर सी बात है हमने कोई लिस्ट बनाई नहीं थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नोट्स को अपेंड करता हूँ। लेट सपोज मैंने ऑप्शन नंबर वन सेलेक्ट किया तो अपेंड नोट ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये पूछ रहा है कि आप मुझे की बताएं और डेटा बताएं, ठीक है। अब मैंने की लिख दी वन, एंटर कर दूं और डेटा दे दिया 10, तो इसने कहा कि नोट अपेंड हो गई है। दोबारा मैं अपेंड का ऑपरेशन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझसे की पूछ रहा है, मैं की दे देता हूँ 1 और डेटा दे देता हूँ 20, यानी कि मैंने वही सेम की दे दी है अपेंड के लिए। तो इसने मुझसे मुझे एरर दे दिया और कहा कि जो नोड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है विद द की वैल्यू 1, आप जो है वो दूसरी नोड अपेंड करें डिफरेंट की के साथ, ठीक है। तो मैंने 1 सेलेक्ट करता हूँ दोबारा और अब देता हूँ 2,20, ऐसे दे दें या फिर एंटर करके दे दें? जी सर, अपेंड मतलब ऐड करने? हाँ, अपेंड मतलब ऐड करना होता है, लेकिन जब भी आप नोड अपेंड करेंगे, मैंने कल भी समझाया था इस बात को, यहाँ से अगर मेरी स्लाइड नज़र आ रही हो, अभी लिस्ट खाली है, ठीक है। तो जब मैं अपेंड करूँगा, अपेंड का मतलब होता है, द वर्ड अपेंड मीन्स इन इंग्लिश कि आप सबसे लास्ट के अंदर नोड को अटैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी लिंक लिस्ट ही खाली है, ठीक है, लिंक लिस्ट ही खाली है, तो अगर आप एक नोड भी अटैच करते हैं तो वो आपकी फर्स्ट नोड भी कहलाएगी और वही आपकी लास्ट नोड भी कहलाएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितनी भी नोड्स अटैच होंगी वो इसके लास्ट में जाती जाएंगी, जैसे कि पहले ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अपेंड मीन्स टू एड द नोड लेकिन इन द लास्ट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने दो नोड्स अटैच कर दी, पहले की थी 1,20, यानी कि 1 मेरा की थी और 2 मेरा अब इसके इसकी की है, ठीक है। तो मैं अगर देखना चाहता हूँ अपनी अपनी लिंक लिस्ट को, तो मैं 6 प्रेस करूंगा, तो यहाँ देखें मेरी सिंगली लिंक लिस्ट आ गई है। पहली नोड है मेरी 1,10, ये मैंने एरो प्रिंट किया हुआ है जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, और दूसरी नोड आ गई मेरी ये, यानी कि अब दोबारा देखें, अब मैं 1 प्रेस करता हूँ और 3,30 दे देता हूँ, यानी कि ये मेरी तीसरी नोड है, तो ये कहाँ जाएगी? सबसे लास्ट में जाएगी, ये देखें दिस दिस और ये दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई अपेंड। अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं प्रीपेंड करूं। प्रीपेंड का मतलब होता है कि शुरू में अटैच की जाए, यानी कि 1,10 से पहले एक मैं नोड लेकर आना चाहता हूं। मैं भूल गया था पहले, लेट सपोज कोई नोड ऐड करना, या मेरी डेटा की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, अब मेरे पास एक डेटा आया है जो मैं चाह रहा हूं कि वो मेरी स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में मौजूद हो, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई 2, तो ये प्रीपेंड में चला गया। अब यहां से जो भी नोट में देता हूं, की और डेटा मुझे देना है, इसको वो अटैच कर देगा सबसे शुरू में जाके, लेकिन इस बात का वो ख्याल रखेगा कि जो नोट में अटैच कर रहा हूं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती हो। मैं इसको 2,20 नहीं दे सकता,
ठीक है, मुझे यूनिक की देना ही है, ठीक है, फिर चाहे वो 7 क्यों ना हो, 7 की और लेट सपोज 100 डेटा, की शुड बी यूनिक। मैं क्या कह सकते हैं इसको, सॉर्टिंग फॉलो कर रहा था जैसे 1 2 3, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यूनिक होनी चाहिए। तो प्रीपेंड से होगा क्या कि जो भी नोड मैं अब इसको दूंगा वो ये शुरू में लगा देगा, ठीक है। इसने कहा कि नोड प्रीपेंड हो गई है, मैं 6 से इसको चेक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 6 से जब डिस्प्ले हुआ तो सबसे पहले इसने वाली नोड दे दी, बाकी ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब इसका तीसरा फंक्शन देख लेते हैं जो है इंसर्ट नोड आफ्टर, यानी कि मैं इसको की बताऊंगा। अब मेरे पास की कौन कौन सी है, मेरे पास एक की है 7, एक मेरे पास है 1, एक है मेरे पास 2, एक है मेरे पास 3। तो इंसर्ट नोड आफ्टर का मतलब यह है कि मैं इसको बोलूंगा कि भाई 7 के बाद अटैच कर दो या 1 के बाद अटैच कर दो। और जब हम इस फंक्शन को पढ़ेंगे, यह पता नहीं कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन यह है आफ्टर की इम्प्लीमेंटेशन। मैं आपको होमवर्क दूंगा बिफोर का, कि इंसर्ट अ नोड बिफोर 7, इंटर अ नोड बिफोर 1, इंटर अ नोड बिफोर 2। मैंने इम्प्लीमेंट किया इंटर नोड आफ्टर 7, आफ्टर 1, यानी कि आफ्टर अ की वैल्यू। तो मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें आ गया हूँ इंटर अ नोड आफ्टर आफ्टर ऑपरेशन के अंदर। तो अब ये पूछ रहा है कि आप की बताएं जिस नोड के बाद आप अटैच करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मैंने इसको की दे दी 1। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप अपनी नई नोड की और उसका डेटा बताएं। दैट की शुड बी यूनिक, ठीक है, दैट की शुड बी यूनिक मतलब ये है कि वो ना तो 7 होनी चाहिए, ना वो 1 होनी चाहिए, ना वो 2 होनी चाहिए, ना वो 3 होनी चाहिए। तो मैंने उसको बोल दिया कि 4,11 मेरा डेटा है और 4 उसकी की है, और इसको अटैच कहाँ कर दे, 1 के बाद। तो ये नोट इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको 6 नंबर पे देखता हूँ, तो यहाँ देखें ये और फिर ये वाली नोट आ गई। इसी तरीके से मैं डिलीट कर सकता हूँ 4 नंबर से। तो 4 नंबर पे जब मैंने डिलीट का ऑपरेशन दिया, तो क्योंकि मैं जो अपनी नोड्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ वो की बेसिस पे कर रहा हूँ, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी की को डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई 4th वाली को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। तो 6 किया, तो देखें अब ये 4 वाली गायब हो गई है। इसी तरीके से आखिरी ऑपरेशन है मेरे पास अपडेट का। अपडेट मतलब मैं डेटा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने प्रेस किया 5, और अब 5 के बाद जो है वो मैंने कहा 5 क्यों प्रेस किया था, 5 तो अपडेट के लिए किया था। अब क्या पूछ रहा है, अपडेट द नोड, इंटर द की और न्यू डेटा, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जो 7 वाला डेटा है मेरा 100 वो अपडेट करना चाह। तो मैंने 7 प्रेस किया और नया डेटा दे दिया, लेट सपोज 200। तो कह रहा है कि डेटा अपडेट हो गया है, तो मैंने 6 से इसको चेक कर लिया, तो ये देखें 7 पे 200 आ गया, और ये सारा कुछ आपका आपके सामने है। तो आउटपुट दिखाने का मकसद क्या था कि प्रोग्राम जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल है और काफ़ी प्रोफेशनल है, दैट्स वाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड का वर्ड मैंने गलत यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी भी आप ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग के हवाले से है उसकी, अगर आपको प्रोग्रामिंग आपका अभी मकसद होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। आ रही बात समझ में, सारे स्टूडेंट से ये बात कर रहा हूँ, नो मैटर के हु यू आर और आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। इस वक्त आप इस प्रोग्राम को इस नियत से ना देखें कि आपको याद करना है या आप इस जैसा बनाना चाहें, अभी आप सिर्फ इस प्रोग्राम को समझ लें, ठीक है, कि ये कर क्या रहा है। तो जब आपको इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी तो फिर आपको ये प्रोग्राम भी इजी लगेगा और फिर आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम अब जा रहे हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैं आपसे ये आज शेयर कर दूंगा इसका पूरा टेक्स्ट, ठीक है। तो मेरी एक क्लास थी नोट्स जो कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रही थी, जस्ट लाइक दैट ऊपर वाला मामला, ठीक है। और दूसरी क्लास है मेरी लिंक लिस्ट की, सिंगली लिंक लिस्ट की, जो के लिंकिंग क्रिएट करती है, ठीक है।
तो ये बड़ा क्रूशियल फंक्शन है, चेक इफ द नोड एग्जिस्ट। जब भी मैंने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए उनमें सबसे पहले इस चीज को चेक करता हूँ कि जो नोड में, लेट सपोज कोई नोड ऐड करने जा रहा हूँ या मैं कोई नोड डिलीट करने जा रहा हूँ, तो वो नोड एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इस चीज को ये चेक करेगा। ये हमने कल कर लिया था, आज मैं आपको जब टेक्स्ट दे दूंगा तो आप इसको रन करें, ठीक है? और अगर कोई समझ में नहीं आती बात तो फिर कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? अपेंड नोड की बात चल रही थी, अभी हमने अपेंड नोड्स किए थे, तो अपेंड नोड जो है वो हमेशा एंड में किया जाता है, ये मैंने यहाँ देखे मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन इट इज पॉसिबल कि आपकी सिंगली लिंक लिस्ट खाली हो और जो आप नोड अपेंड कर रहे हो वही आपकी पहली और वही आपकी आखिरी नोड हो। इसलिए इसमें दो तीन बातें मैंने की हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर रहा है ये कि भाई कि जो नोड मैं अपेंड करना चाह रहा हूँ वो यूनिक भी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट हो रही है। दूसरी चीज क्या मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो नोड मैं अटैच कर रहा हूँ कहीं वो शुरू वाली नोड तो नहीं है, पहली नोड तो नहीं है। ऐसा पता कैसे चल रहा है कि हेड आपका नल होगा। जब आपकी लिंक लिस्ट में जो खाली होगी लिंक लिस्ट, तो हेड पॉइंटर नल होता है, तो जो पहली नोड होगी वही आपकी आखिरी नोड बन जाएगी, ठीक है? और उसके बाद ये जैसे यहाँ पिक्टोरियली दिखाया गया है कि पहली नोड ही आपकी आखिरी नोड है और उसके बाद आप बकिया नोड्स को अटैच कर सकते हैं इस एल्स पार्ट से। जी सर वो जैसे आपने वो 7 की यूज की थी ना यूनिक के लिए, तो 0 नंबर भी यूनिक को काउंट करेगा वो? हाँ, जीरो भी करेगा, बस यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब उस वक्त जो मेरी लिंक लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे डब्बे नजर आ रहे हैं 1 2 3, तो उस वक्त जो मेरी लिंक लिस्ट है उसमें किसी और के पास वो की नहीं होनी चाहिए। इट कैन बी एनी नंबर, यूनिक का मतलब मेरा ये है। अच्छा, प्री पेंड को शायद हमने कल नहीं देखा था, ऐसा ही है, हमने ये दो फंक्शन देख लिए थे, ऐसा ही है ना, हमने ये दो फंक्शन देखे थे। कोई बताएगा मुझे? जी जी सर, सर, यहाँ पेंट तक नहीं किया था हम लोगों ने। जी जी अपेंड तक किया था, प्री पेंट नहीं किया हाँ। था। अब प्री पेंड का मतलब होता है कि स्टार्ट ऑफ द लिस्ट के अंदर, जिस तरह मैंने अभी आपका आउटपुट पे दिखाया कि मैं अब एक नई नोड अटैच करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जब आपको एरेज और लिंक लिस्ट का डिफरेंस बताया था तो मैंने यही कहा था कि लिंक लिस्ट बड़ी डायनेमिक है, आप कभी भी कोई सा भी जो है ना डेटा अपना ऐड या रिमूव कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, एरे में ऐसा नहीं है। तो प्रीपेंडिंग का मतलब है कि अब आपको स्टार्ट ऑफ द लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसकी अगर इस मेथड की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट सेज वॉइड प्रीपेंड नोड स्टार, यानी कि इसका नाम प्रीपेंड नोड है और ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है पॉइंटर के तौर पे ऑफ टाइप नोड, यानी कि जब लेट सपोज जब मैं इसको कॉल करूंगा और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है n4, तो मैं इसको दूंगा प्रीपेंड और फिर एड्रेस ऑफ द n4, तो इस n के अंदर मेरे पास उस नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? अब जो नोड एग्जिस्ट है उसको देखें कॉल करने का क्या तरीका हो रहा है। यहाँ पे नोड, इफ नोड एग्जिस्ट, एन क्या है मेरा, ये वाला पॉइंटर है, यानी कि ये जो पॉइंटर है जिस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है उसकी की, क्योंकि ये जो मेरा नोड एग्जिस्ट वाला मेथड है ये एक इंटीजर वैल्यू लेता है, तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही पास करनी थी। तो इस पूरी लाइन का जो आंसर है वो या तो कोई एड्रेस होगा या वो नल हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे हमने ये चीज बहुत अच्छी तरीके से देखी थी कि एड्रेस का मतलब क्या है। अगर एड्रेस रिटर्न हो रहा है इसका मतलब नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और अगर डायरेक्ट नल रिटर्न हो रहा है टेम्प के अंदर तो इसका मतलब वो नोड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि मेंबर ऑफ दिस यानी कि एन ऑब्जेक्ट जो कि पास हुआ था आर्ग्यूमेंट में टू द फंक्शन इनसाइड द इफ, इनसाइड द इफ के अंदर जो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और मैं की दे रहा हूं ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस का मतलब क्या है, जिसको ये ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर इसके अंदर नोट एग्जिस्ट का जो मेथड है अगर वो मुझे कोई एड्रेस रिटर्न कर रहा है,
यानी कि रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज अ एड्रेस, यहाँ लिखी हुई भी ये बात कि रिटर्न वैल्यू इस फंक्शन की अगर एक एड्रेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैं प्रीपेंड कर रहा हूं तो इस इफ का आंसर फॉल्स आना चाहिए, यानी कि इसका रिटर्न नल आना चाहिए। तो नल इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये एल्स वाले पार्ट पे चलाएगा, ठीक है, एल्स वाले पार्ट को रन करेगा। यहाँ पे कोड सेम था इसलिए मैं उस पे था, ठीक है। तो नॉट एग्जिस्ट की ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल, तो अगर यहां से एड्रेस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब की एग्जिस्ट कर रही है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर यहां से नल आ रहा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। तो ये सिचुएशन है कि हमारे पास ये रेलगाड़ी बन चुकी थी, ठीक है, तीन नोड्स बन चुकी हैं, हेड जो है वो नोड वन को ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक नई नोड लेकर आ गया हूँ N4, ठीक है, उसके पास उसका डेटा भी है, उसकी की भी है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले जब मैंने क्या किया, मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन को एड्रेस दे दिया N4 का, तो इस ये N4 से उसकी की तक चला गया और इसने की से चेक किया कि ये जो मैं नई नोड ऐड करना जा रहा हूँ ये पहले से तो मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप कोडिंग को छोड़ दें, ठीक है, और वर्चुअली मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं पहली नोड को जो फोर्थ नोड जो अभी नई ऐड कर रहा हूँ वो मेरी पहली नोड बन जाए। प्रीपेंड का मतलब यही होता है, कोई बताएगा क्या क्या करना चाहिए, कोडिंग को ना देखें। जी आवाज आ रही थी आपको मेरी, कोडिंग को ना देखते हुए कुछ बता सकते हैं कि इस रेलगाड़ी के साथ ऐसा क्या किया जाए कि जो नई नोड है जिसको मैं फोर्थ नोड बोल रहा हूँ वो सबसे शुरू में आ जाए, या एल्गोरिथम के अंदर हेड का एड्रेस जो है वो एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं अभी। अगर ये शायद रिजवान की आवाज मुझे लग रही थी, ठीक है, इसके पास हेड है, ये हेड है, ठीक है, जो के पॉइंट कर रहा है इसको, आ रही बात समझ में, पहली नोड को कर रहा है, अभी ना चैट वेट नहीं कर रहे ना, चैट के लिए मुझे यहां जाना पड़ता है, पता नहीं क्या, इट्स आल्सो मी, हेड पॉइंटर, ये क्या हुआ सर, रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दे, रिकॉर्डिंग ऑन है सॉफ्टवेयर के थ्रू, गूगल वाला जो है ना बड़ी देर में करता है, फिर वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो ये हेड पॉइंटर है, ठीक है, हेड पॉइंटर इस वक्त इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि नोड नंबर वन को। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा हेड पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करने लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरी पहली नोड हो जाएगी और इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करने लग जाए, ऐसे ही है जी सर। तो ये वर्चुअली, क्योंकि मेमोरी के हवाले से तो ये अलग अलग कहीं ना कहीं मौजूद हैं, लेकिन वर्चुअली ये मेरी लिंक लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी और सबसे पहली नोड बन जाएगी। तो अब मैं उसको आपको कोडिंग के हवाले से दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो पहले तो मैंने ये तसल्ली कर ली कि जो नोड मैं प्रीपेंड करना चाहता हूँ वो पहले से मौजूद नहीं है, सिंपल इज दैट, ठीक है, ये तसल्ली करना बहुत जरूरी है। तो हेड पॉइंटर के अंदर अभी जो मैंने जब नई नोड बनाई थी फोर्थ नोड, क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप नोड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें की देते हैं, उसमें डेटा देते हैं, लेकिन उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या सबसे पहली लाइन लिख दी कि जो n का नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ माय ऑब्जेक्ट जिसको n पॉइंट कर रहा है, n किसको पॉइंट कर रहा था,
जो आर्ग्यूमेंट में नोड मिली थी, ठीक है, तो ये दिस पॉइंटर यूज हो रहा है, और नेक्स्ट उसका एक डेटा मेंबर है। अगर अभी मैं वापस जाना नहीं चाह रहा, नोड क्लास को आप देखेंगे तो नोड क्लास का एक मेंबर है नेक्स्ट, ठीक है, और ये जो n4 है ये ऑब्जेक्ट है नोड क्लास का, जो कि पास हुआ है एड्रेस के तौर पे इस n को। तो n इज अ पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ माय न्यूली क्रिएटेड नोड n4। तो ये कह रहा है कि जो n जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो हेड हो जाए, यानी कि हेड के अंदर जो कुछ भी एड्रेस था, क्योंकि हेड पॉइंट कर रहा था मेरी नोड नंबर 1 को, ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि वही एड्रेस को पॉइंट करे, ये जरूरी है। देखिए मैंने पहले हेड को अपडेट नहीं करा, मैंने पहले हेड को अपडेट नहीं किया, मैंने पहले किसको अपडेट कर रहा हूं, इसके नेक्स्ट पॉइंटर को, क्योंकि मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो बताई कि जो हेड है वो इसको पॉइंट करे और ये जो है वो इसको पॉइंट करे। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इस नोड की इंफॉर्मेशन इस हेड में मौजूद है, ठीक है, अगर मैं पहले ये कर दूं कि हेड को पॉइंट करवा दूं नोड 4 पर, यानी कि ये वाली लाइन पहले लिख दूं, तो मेरे पास नोड 1 की इंफॉर्मेशन गायब हो गई। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता नोड 1 कहां पर मौजूद है, नोड 1 कहां पर मौजूद है ये हेड को पता था। आ रही बात समझ में, ये दोनों लाइंस जो हैं, मैं इसलिए इस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं कि इनका ऑर्डर बहुत जरूरी है, कि ये ऐसे ही लिखी जाए कि पहले आप इस n को अपडेट करेंगे, उसके बाद इस हेड को छेड़ेंगे, ठीक है। दो काम करने हैं, एक तो हेड पॉइंटर से बोलना है कि वो हमारी न्यू नोड को पॉइंट करे, अब उसको हेड माने, और जो न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको कहना है कि आप नोड 1 को पॉइंट करोगे। आ रही बात समझ में, तो न्यू जो पुरानी नोड 1 है ये वाली, इसका एड्रेस किसके पास है, इस हेड पॉइंटर के पास है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि ये जो हेड के अंदर एड्रेस है ये कॉपी हो जाए इसके पास, तो उससे होगा क्या, उससे एक लिंक पैदा हो जाएगा, किस किस का, इसका और इसका, यानी कि अब इसके जो नेक्स्ट है उसमें नोड 1 का एड्रेस आ चुका है, क्योंकि हेड के पास भी वही एड्रेस मौजूद था। इसके बाद मैंने हेड को अपडेट किया और कहा कि आप जो है वो n को पॉइंट करेंगे, यानी कि n में जो एड्रेस है वो हेड में होना चाहिए, यानी कि दिस वन। आ रही बात समझ में, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि अब नेक्स्ट ऑफ जो नोड है वो नल के बजाय हेड हो जाएगा, और हेड की वजह से, हेड में क्या है, हेड में वन का एड्रेस था, तो वो कॉन्सिक्वेंटली नोड 1 को ही पॉइंट कर रहा है इसका नेक्स्ट। और दूसरी लाइन में क्या कि मैंने हेड को अपडेट कर दिया और कहा कि आप n को पॉइंट करोगे, तो वर्चुअली ये नोड यहां पर आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल था प्रीपेंड, थोड़ा सा ट्रिकियर था ये वाला पार्ट, ऊपर नीचे नहीं करें इस लाइंस को, वरना आप नोड 1 का डेटा लॉस्ट कर देंगे या नोड 1 का एड्रेस लॉस्ट कर देंगे, ठीक है। प्रीपेंड हो गया, इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, यानी कि अब मैं उसको पर्टिकुलर नोड बताऊंगा कि भाई इस नोड के बाद आपको एलिमेंट ऐड करना है। प्रीपेंड का मतलब क्या था कि बिल्कुल शुरू में, अपेंड का मतलब है बिल्कुल एंड में, और अब ये बिल्कुल डायनामिक है कि कहीं भी ऐड की जा सकती है। लेट सपोज ये मेरी रेलगाड़ी है और जो है इसमें तीन नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, अब मैं चौथी नोड ऐड कर रहा हूँ और मैंने उसको बोला कि आफ्टर द नोड 2, तो आफ्टर द नोड 2 के लिए मामला क्या होगा, पहले तो मुझे उसको की बतानी है कि भाई फला की के बाद आपको ये नोड लगानी है। तो यहाँ पे मुझे दो बातें जो हैं वो चेक करवानी होंगी कि इफ अ यूजर वांट टू ऐड अ न्यू नोड आफ्टर सम पर्टिकुलर नोड आइडेंटिफाइड बाय द की,
अच्छा दूसरा ये कि होमवर्क आपका होगा कि आप इसी कोड को मॉडिफाई करेंगे और आप बिफोर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि अभी तो ये क्या कर रहा है, दो जो नोड है, टू जो नोड है, इसके बाद नोड को ऐड कर रहा है, लेकिन अगर यूजर चाहता है कि दो से पहले जो वो की बताए उससे पहले ऐड करनी है तो फिर क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसीलिए मैंने कीज को यूज किया हुआ है ताकि यूनिकली नोड्स आइडेंटिफाई हो जाएं। अच्छा अब यहाँ पे अगर एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मैं एक मेरे पास लिंक लिस्ट है और मैं कोई मुझसे बोल रहा है कि भाई फलानी नोड के बाद आप ये नई नोड ऐड कर दो, तो भाई मैं पहले दो चीजें क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि जो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि नोड टू के बाद ऐड कर दो, तो नोड टू एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि जो नई नोड में ऐड करवा रहा हूं वो यूनिक भी है या वो डुप्लीकेट कर देगी, ठीक है, तो ये चीजें मुझे चेक करनी है। अच्छा ये जो मेरा फंक्शन है void insert node, ये दो चीजें ले रहा है, एक के क्या चीज है, की, यानी कि किसके बाद आपको ऐड करवाना है, और नोड स्टार एन का मतलब क्या है, जो नई नोड है उसका एड्रेस, सिंपल, ठीक है। अब तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो want to insert a new node n after the node identified by the key, तो मैं एक n4 को ऐड करना चाहता हूँ after the 2, तो मैं 2 पास करूंगा पहले उसको और n4 का एड्रेस पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी कुछ तस्वीर है बिफोर इंसर्शन, मेरे पास n1 है, मेरे पास n2 है और मेरे पास n3 है, ये मेरी लिस्ट थी। अब मैं एक n4 अटैच करना चाहता हूँ लेकिन n2 के बाद, ना के n3 के बाद। अगर मैं n3 के बाद अटैच करता तो फिर तो मैं अपेंड ही यूज कर लेता। सर ये मतलब अपेंड की जैसे ही है ना? नहीं, अपेंड हमेशा लास्ट में अटैच करता है, अपेंड हमेशा, नहीं 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 सर, वो प्रीपेंड, प्रीपेंड की तरह, वो प्रीपेंड हमेशा शुरू में अटैच करेगा, यानी कि नोड वन से पहले। सर मतलब वही, मतलब अटैच कर रहा है, अटैच कर रहा है, लेकिन इसमें ये सहूलत मैंने दी है। अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये सारे मेंबर फंक्शंस बनाएं, आप कम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जितनी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी हम लिंक लिस्ट में ला सकते हैं वो मैंने लाया। इस फंक्शन की खूबसूरती यह है कि ये आपको अटैच करने देगा नोड कहीं भी, ठीक है। प्रीपेंड कर रहा था शुरू में, अपेंड कर रहा था लास्ट में, ये आपको इजाजत दे रहा है कि आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं, बस आपको की बतानी है। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे नोड वन के बाद चाहिए तो ये नोड वन के बाद ले आएगा, नोड टू के बाद बोलूंगा तो नोड टू के बाद ले आएगा, नोड थ्री के बाद बोलूंगा तो खैर वो तो फिर लास्ट ही हो जाएगी। फिलहाल मेरे पास तीन ही है तो मैं इन तीन के साथ ही खेल सकता हूँ। तो मैंने उसको आर्गुमेंट दिया कि भाई टू, यानी कि मैं इस नोड के बाद जो है एक मजीद नई नोड चाहता हूँ। मैंने गलती से नोड थ्री अटैच कर दिया था, मैं अभी यहाँ पे एक नया डेटा लेकर आना चाहता हूँ। तो अब यहाँ देखें नोड एग्जिस्ट को कैसे कॉल करवा रहा है वो, उसकी वजह क्या है, दो बातें हैं। अभी मुझे एक तो ये चीज देखनी है कि भाई जो की मैंने उसको दी है कि इस की के बाद आप नया नोड डालो, वो की मौजूद भी है मेरी लिंक लिस्ट में या नहीं, ठीक है। तो अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब मुझे उसके बाद कुछ काम करना है, तो मुझे उसका एड्रेस भी चाहिए। तो नोड एग्जिस्ट, नोट एग्जिस्ट के, मैंने उसको के टू दे दिया और ये ptr से कॉल करवाया है, तो यानी कि ये फंक्शन मुझे कुछ एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर तो वो एड्रेस नल हुआ इसका मतलब नोड विथ की टू एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन अगर वो एड्रेस कुछ एड्रेस हुआ इसका मतलब वो नोड एग्जिस्ट करती है, तो मुझे उसका एड्रेस भी चाहिए था, तभी तो मैं उसके बाद कुछ ऐड कर सकता हूँ। तो ये दो चीजें बहुत अहम है कि वो की भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो आप नई नोड डाल रहे हो उसकी की भी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आई यूज दिस पॉइंटर टू कॉल द नोड एग्जिस्ट, दिस इज टू कीप द एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड नोड, टू मेरी डिजायर्ड नोड है, ठीक है, क्योंकि मैंने टू यहां पे दे रहा हूं तो टू मेरी डिजायर्ड नोड है, मुझे इसका एड्रेस भी संभाल के रखना है अगर वो मौजूद है मेरी लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर। तो इफ ptr इज इक्वल्स टू नल, यानी कि यहां जो ptr था अगर उसमें नल मौजूद है, यानी कि कोई नोड ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके बाद आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने लेट सपोज टू दिया है तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, वो एल्स पर आ जाएगा, यानी कि अब वो नोड एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
अब क्या कर रहा है वो, अब दूसरी बात चेक कर रहा है। पहली बात उसने क्या चेक कर ली कि जो जिस की के बाद आप एलिमेंट ऐड करना चाहते हो वो एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी बात क्या चेक कर रहा है कि इफ नोट एग्जिस्ट एंड दिस की, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को एंड पॉइंट कर रहा है उसकी की से हमें क्या रिटर्न हो रहा है। अगर यहां से जो है वो एड्रेस रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया, यानी कि जो आप नई नोड लेकर आना चाह रहे हो की टू के बाद, वो तो ऑलरेडी लिस्ट के अंदर मौजूद है अगर एड्रेस आता है। अगर नल आता है तो नल इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है जनाब। तो सेकंड इफ मेक श्योर करता है कि जो न्यू नोड है वो यूनिक है और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक हुआ क्या? मिसाल के तौर पे हमें इस नोड टू के बाद एक नई नोड ऐड करनी थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया टू और यहाँ पे दे दिया एड्रेस ऑफ एन फोर, ठीक है। तो इस लाइन का आंसर क्या आया? PTR is equals to node exist of k. तो मैंने 2 जब उसको दिया तो उसने मुझे 2 का एड्रेस दे दिया। यहाँ पे 2 का एड्रेस क्या है PTR के में क्या होगा, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है PTR के अंदर अभी 20 होगा। तो PTR points to the address 20, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, क्योंकि जो n4 दे रहा हूँ, लेट्स सपोज n4 है ये, तो उसकी की है 4, तो 4 तो यूनिक है। तो अब ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है? अच्छा, इसको चलाने से पहले मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं कि करना क्या है। ये है मेरी नोड 4, मैं इसको यहां लाना चाहता हूं, ठीक है। यहां लाने का मतलब क्या है कि जो मेरा N2 का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करे और इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करे। आ रही बात समझ में? मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर भी ऑर्डर बहुत जरूरी है। स्टूडेंट एक मिनट थोड़ा वेट करें, कॉल आ रही है। ठीक है, तो
उम्मीद है आपको आवाज आ रही हो, सॉरी इस डिस्टरबेंस के लिए। तो पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा था, मुझे एक नई नोड अटैच करनी है जो कि N4 है, ठीक है। अब लॉजिकली क्या करना है कि जो इसका N है, क्योंकि ये यहां आ जाएगी तकरीबन, ठीक है, तो इसका जो N है वो इसको पॉइंट करेगा और इसका जो N है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे करना है। अब यहां पे लाइन क्या लिखी है कि n ऑफ नेक्स्ट, यानी कि जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर है n4 का, n क्या है मेरा n4 है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो ptr का नेक्स्ट बन जाए। अब ptr किसको पॉइंट कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या है 40, ठीक है, तो ये 40 आ जाए इस n के अंदर, n के नेक्स्ट के अंदर। तो अब क्या हुआ, ये लिंक क्रिएट हो गया कि ये नोड तो इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर सकता हूं, इसको मैंने पहले अपडेट इसलिए नहीं किया वरना मैं नोड 3 तक का रास्ता भूल जाता, ठीक है। तो पहले मैंने ये लाइन चलाई, अब मैं ये लाइन चलाऊंगा कि जो PTR का जो नेक्स्ट है, यानी कि दिस वन, इट शुड होल्ड द एड्रेस इक्वल्स टू n जो पास हुआ था यहां पे, यानी कि दिस वन। तो ये एक वर्चुअल कनेक्शन बन गया कि पहले नोड ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, और फिर अब ये आ जाएगी। तो इस तरह मैं एक इंसर्ट नोड कर सकता हूं आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। तो ये एक वर्चुअल कनेक्शन बन गया, ठीक है, इस तरह। तो ये एक साफ सुथरी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी, इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है। डेढ़ बज जाए तो मुझे बता दीजिएगा, अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, 1:20 हो गया है, ठीक है। इंसर्ट, अच्छा एक काम और करते हैं कि ये मैंने यहाँ पे अपना जो कोड है ये शेयर कर दिया है, ये पता नहीं पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्या मामला है, पूरा नहीं हुआ ये, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे कर दिया है, ठीक है। तो प्रीपेंड, तीन ऑपरेशन हमने तकरीबन पढ़ लिए, प्रीपेंड भी पढ़ लिया, इंसर्ट अ नोड भी पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है डिलीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोड है, ये शायद मैंने यहाँ करके नहीं दिखाया था आपको, डिलीट वाला मामला, ये पता नहीं करके दिखाया था, ठीक है। डिलीट नोड बाय यूनिक की, अब मैं कोई की जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, कोई नोड जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी एक होमवर्क बन सकता है, मैंने जो डिलीट किया है मैंने सिर्फ अनलिंक किया है, ठीक है। डिलीट हम क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो डिलीट जब करने की बारी आती है तो सबसे पहले देखें, मैंने आपको क्या करके दिखाया था, मैंने शुरू में डिलीट किया था, ठीक है। तो उसने मुझे बोल दिया था कि भाई लिंक लिस्ट ही खाली है तो नोड डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करना है, ये मैंने बोल्ड भी किया है, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, यानी कि जो हेड पॉइंटर है क्या वो नल तो नहीं है, अगर वो नल है इसका मतलब लिंक लिस्ट ही खाली है, ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप जिस नोड को डिलीट कर रहे हैं वो हेड नोड तो नहीं है, ठीक है। हेड नोड को अगर डिलीट कर रहे हैं ना तो बहुत ही आसानी है, क्योंकि आपको करना क्या है कि जो N1 है उसके पास आपके उसके पास एड्रेस है नेक्स्ट N2 का, तो आपको बोलना है कि भाई हेड जो है ना वो N1 का नेक्स्ट हो जाए, सिंपल इज दैट। तो आपकी नोड 1 अनलिंक हो जाएगी। तो ये कैसे चेक करें कि, तो इसके लिए उसने क्या किया हुआ है कि अगर हेड नल नहीं है,
पहले कंडीशन क्या थी कि हेड नल है, इसका मतलब खाली है. अब हेड नल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एड्रेस है. तो अब वो जब ये बात कंडीशन ट्रू होती है एल्स इफ वाली, तो वो चेक करता है कि हेड की जो की है वो इस आर्ग्यूमेंट की से मैच तो नहीं कर रही, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में मैं की कौन सी दूंगा जो मुझे डिलीट करनी है. ठीक है, तो ये मैंने अलग से इसलिए कंडीशन लगाई है, यहाँ पे मैंने लिख भी दी है बात, कि अगर आप ऐसी नोड को डिलीट कर रहे हैं जो कि सबसे पहली नोड है, तो इसका मतलब आपको हेड पॉइंटर को भी अपडेट करना है. अगर आप मिडिल में किसी को डिलीट कर रहे होते तो फिर ये मसला नहीं होता, हेड पॉइंटर तो पहली नोड पर ही रहता. ठीक है, तो अगर आप पहली नोड को ही डिलीट कर रहे हैं तो अब आपको हेड पॉइंटर को अपडेट करना है, और हेड पॉइंटर से बोलना है कि भाई अब आप हेड में हेड का जो नेक्स्ट है, यानी कि इस नोड नंबर वन का जो नेक्स्ट है उसे पॉइंट करोगे, यानी कि नोड नंबर टू को पॉइंट करोगे. अब हेड आपका एन टू को पॉइंट करने लग जाएगा. तो वर्चुअली ये जो लिस्ट लिंक, ये जो लिंक था, ये जो नोड थी, ये अनलिंक हो जाएगी. तो दिस वुड बी द केस के लेट सपोज हेड जो है वो नोड वन को पॉइंट कर रहा है, जिसका एड्रेस 10 है. अब मैंने जब इस 10 को डिलीट करा तो मैंने कहा कि हेड इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट. तो हेड ऑफ नेक्स्ट क्या था, 20, तो वो 20 को पास 20 को पॉइंट करने लगा. ये जो लिंक है ये ब्रॉक हो गया. अब ये अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, अब मेरी लिस्ट 2 से शुरू हो रही है. ठीक है, तो ये अनलिंकिंग कर रहा हूँ डिलीट के नाम पे. आप चाहें तो नोड 1 को डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि डायनामिकली एलोकेट हुई है मेमोरी में. अच्छा, लेकिन अगर हमें नोड 2 को डिलीट करना है, अब हमारे पास 3 ही नोड्स हैं, तो और मुझे नोड 3 डिलीट करनी है, तो दैट विल बी वेरी ट्रिकियर पार्ट ऑफ दिस कोड. अब नोड 2 को डिलीट करना है तो सबसे पहले तो मुझे ट्रेवर्सिंग करनी होगी. ठीक है, ट्रेवर्सिंग करनी है क्योंकि मुझे उस मुतालका नोड तक जाना है, डिजायर्ड नोड तक जाना है. ठीक है, तो जब मैं डिजायर्ड नोड तक पहुंच जाऊं तो मैं उसका एड्रेस भी सेव रखूं अपने पास. दूसरा मुझे क्या करना है इस केस के अंदर, इस पिक्चर के अंदर, मुझे N1 का जो नेक्स्ट है उसको बोलना है कि वो N2 के नेक्स्ट को पॉइंट करे, यानी कि अल्टीमेटली नोड 3 को पॉइंट करे. आ रही बात समझ में? मुझे यहाँ एक इंपॉर्टेंट काम क्या करवाना है इसको डिलीट करने के लिए, इसका लिंक खत्म करने के लिए, कि जो नेक्स्ट है N1 का ये वाला, इसको इस ये 20 की जगह 40 को पॉइंट करे. ठीक है, 20 की जगह 40 इसमें आना चाहिए ताकि ये डायरेक्ट इस पे आ जाए. यानी कि ये जो नेक्स्ट है N1 का, ये जो है वो बराबर होना चाहिए नेक्स्ट ऑफ N2 का. तो मैं अनलिंकिंग करने से पहले ये जो नेक्स्ट ऑफ N2 है इसको सेव करवाऊं इसके अंदर. आ रही बात समझ में? तो इसको अगर सम अप करें, जैसे कि इसको पॉइंट करवाए करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे N2 का जो नेक्स्ट है उसका एड्रेस N1 के नेक्स्ट में सेव करवाना है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे नजर रखनी है, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, क्योंकि ये मुझे तीसरी नोड तक जाने का रास्ता बता रहा है और इसका मुझे नेक्स्ट अपडेट करना है. तो मुझे दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नजर रखनी है, इसका मतलब मुझे तकरीबन दो पॉइंटर्स चाहिए होंगे. दो पॉइंटर्स को अगर मैं नाम दूं तो ये मेरी करंट नोड है या ये मेरी डिजायर नोड है और ये उसकी प्रीवियस नोड है. जब भी आपको कोई नोड डिलीट करनी होगी तो आपको इसका मतलब दो नोड्स के ऊपर नजर रखनी होगी, एक करंट और एक उससे पहले वाली, क्योंकि जो पहले वाली होगी वो इसके आगे वाली को पॉइंट करेगी फिर. तो दो पॉइंटर्स की जरूरत पड़ जाएगी, वन टू पॉइंट एट N1, N1 पे पॉइंट करेगा यानी कि प्रीवियस नोड जिसको हम बोल रहे हैं, और एक पॉइंट करेगा N2 पे. ठीक है जनाब. अच्छा, इसको मैं कोशिश करके खत्म करूंगा. सर समझ थोड़ा लेट शुरू कर दें, या अगर वो शुरू कर चुके हों या कर दें तो फिर मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, तो दो पॉइंटर्स की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे. तो ये देखें, अब मैंने एक पॉइंटर बनाया टेम्प के नाम से,
जिसमें नल सेव करा दिया, एक पॉइंटर मैंने बनाया प्रीवियस पॉइंटर जिसे मैंने हेड बोल दिया है। प्रीवियस पॉइंटर क्या है मेरा? हेड, यानी कि वो भी इस हेड को ही पॉइंट कर रहा है या वो भी इस नोड वन को ही पॉइंट कर रहा है। और एक मैंने बना दिया करंट पॉइंटर जो कि हेड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, दिस इज करंट पॉइंटर और वो हेड के नेक्स्ट यानी कि 20 को पॉइंट कर रहा है। तो एक पॉइंटर है मेरा प्रीवियस पॉइंटर जो हेड को पॉइंट कर रहा है और एक उसके बाद वाला, ठीक है, क्योंकि मैं एक वक्त में मैं दो नोड्स को पॉइंट करवाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ नोड कौन सी है, वो तो के अंदर मौजूद है। अब क्या है, वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, करंट पॉइंटर अगर नल नहीं है, नल कब होगा? जब हमारी लिस्ट में नोड ही एक होगी, क्योंकि व्हाट इज करंट पॉइंटर? नेक्स्ट ऑफ हेड, दिस इज 20। अगर यहां यही नल आ जाता तो इसका मतलब ये भी मौजूद नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है, एन टू भी मौजूद नहीं है, एन थ्री भी मौजूद नहीं है। तो वाइल करंट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, तो करंट पॉइंटर में कुछ ना कुछ एड्रेस है, जो एड्रेस क्या है 20, तो 20 इज नॉट इक्वल्स टू नल, ये बात ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन चलेगी इफ करंट पॉइंटर का जो की है, अब करंट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है 2, इसकी जो की है दैट इज दिस, क्या वो इस आर्ग्यूमेंट से मैच कर रही है? अब हम क्योंकि नोड 2 को ही डिलीट करना चाह रहे थे तो यस वो मैच करती है। तो इफ मैचेस, अगर मैच कर रही है तो फिर क्या करे, अगर मैच करती है क्योंकि मुझे अब डिजायर नोड का एड्रेस सेव रखना है, ठीक है, कि अगर मैच करती है तो जो करंट पॉइंटर था जो कि इसको पॉइंट कर रहा था उसका एड्रेस किस में चला गया? टेम्प के अंदर जो पहले नल था, और करंट पॉइंटर को मैंने नल कर दिया। करंट पॉइंटर को मैंने नल क्यों किया? अदरवाइज ये वाइल का लूप चलता रहता, ठीक है, इस वाइल के लूप से मुझे बाहर निकलना है, ठीक है, इस वाइल के लूप से मुझे बाहर निकलना है। अभी इस बात पे आप यहाँ पे होल्ड करें कि की मैच कर गई। अगर की मैच नहीं करती तो हम वाइल की बॉडी में ही होते, ठीक है, और ये इफ वाला पार्ट नहीं चलता, ये एल्स वाला पार्ट चल जाता कि जो प्रीवियस पॉइंटर है, जो ये था प्रीवियस पॉइंटर को मैं कह रहा हूं कि वो क्या हो जाए, प्रीवियस पॉइंटर का नेक्स्ट। प्रीवियस पॉइंटर क्या है इस वक्त? वो जो है वो प्रीवियस पॉइंटर यहाँ पे क्या था हमारा? हेड था, ठीक है, तो अब वो हो जाए प्रीवियस पॉइंटर का नेक्स्ट, यानी कि ये 20 उसमें आ जाए, ठीक है। और करंट क्या हो जाए? करंट का नेक्स्ट। करंट कहाँ पे था पहले? करंट 20 पे था, ठीक है, तो 20 का नेक्स्ट का क्या हुआ? 40। तो करंट पॉइंटर में क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा और नेक्स्ट में 2 आ जाएगा। तो अब मैं नोड नंबर 2 को और नोड नंबर 3 को पॉइंट कर रहा हूं, यानी कि अगर की मैच नहीं करती तो मैं अगली दो नोड्स पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो हमारी तो की मैच कर गई थी, ठीक है, हमारी की मैच कर गई थी। तो जब की मैच कर जाती है जिस नोड को डिलीट करना है, तो फिर मैं उस नोड का एड्रेस सेव करूंगा टेम्प्रेरी के अंदर, ताकि मुझे उस एड्रेस पे मैं जो है बाद में उसको यूज कर सकूं, ठीक है। और करंट पॉइंटर को मैंने नल कर दिया, ठीक है। अब टेम्प्रेरी के अंदर क्या है मेरे पास? टेम्प्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस है, ठीक है। तो इफ टेम्प वेरिएबल या टेम्प पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो अब वो कनेक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि जो मेरा टेम्प्रेरी पॉइंटर है वो इस एन टू को पॉइंट कर रहा है, यहां से मुझे इस नेक्स्ट का एड्रेस मिल सकता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो एड्रेस है ये मेरे इधर चला जाए, जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर था। प्रीवियस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? ये प्रीवियस पॉइंटर है, ये हेड को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट होगा यानी कि ये, तो मैं इस नोड को जब डिलीट करना चाहता हूं एन टू को, तो मैं चाहूंगा
कि जो 40 वाला एड्रेस है वो यहां आ जाए। तो इफ इफ टेम नॉट इक्वल टू नल, टेम में क्या था, मेरी डिजायर नोड का एड्रेस था, टेम हैज द एड्रेस ऑफ द डिजायर नोड, तो प्रीवियस पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो टेम का नेक्स्ट बन जाए। टेम ये था, ठीक है, टेम का नेक्स्ट क्या है 40, तो प्रीवियस पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस पॉइंटर क्या था, ये हेड नोड, इसका नेक्स्ट क्या है ये, तो ये 40 बन जाए, ठीक है। तो नोड जो है वो फिर अनलिंक हो जाएगी, यानी कि जो नेक्स्ट है एन वन का वो पॉइंट कर रहा है अब एन थ्री को। इसको यहां से भी देख लें कि हमारे पास ये तीन नोड्स थी, हम इस एन टू को डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन एन टू के पास एड्रेस है एन थ्री का, तो पहले तो मैं डिजायर्ड नोड सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरी एन टू है, क्योंकि जब मैं एन टू को पॉइंट कर रहा हूं टैम के जरिए, तो अब मेरे पास उसके नेक्स्ट में जाने का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि जो एन टू का जो नेक्स्ट है, यानी कि जो टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है, वो मेरे प्रीवियस नोड का नेक्स्ट बन जाए। तो अगर ये लेट सपोज 10 था, ये 20 था, ये 30 था, तो 20 इज द एड्रेस ऑफ दिस, तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। ये कोड मैंने व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दिया है, इसको एक दफ़ा ड्राई रन करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। ये स्लाइड्स भी मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है, तो ये एक दफ़ा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई क्यूरी है तो फौरन पूछ लें, बाकी आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 4 और 5 था DLD का, जिसका क्विज करना है कल, ठीक है, तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कल जो है वो DLD के हवाले से या इस प्रोग्राम के हवाले से जो क्यूरीज होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे पहले, और इसका मेन वाला फंक्शन भी देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह हो रही है। तो एक दफ़ा ये कोड ज़रूर देख कर आइएगा, एक दफ़ा अपने पास रन करके आइएगा इसको, ठीक है। तो कोई क्यूरी है तो पूछ लें, नहीं तो आप अपनी लैब में जा सकते हैं।